वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक रियलिटी लेकर आना चाहूँगा। साल 2016 का 8 ऑफ नवंबर 2016 का 8 नवंबर पे आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था 1000 और 500 का नोट, यानी 1000 रुपीज़ का नोट और 500 रुपीज़ का नोट, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक क्लियर मेंशन किया गया था कि 8 नवंबर 2016 का बाद से अगर किसी के पास 1000 का नोट या फिर 500 का नोट्स है तो वो आप लीगल टेंडर नहीं है। यानी 8 नवंबर 2016 के बाद से 1000 और 500 का नोट इलीगल टेंडर है। उनके बाद से बहुत ज़्यादा लोगों के मन में एक डर आ गया था कि 1000 और 500 का नोट मेरे पास है तो उस नोट्स को करूँ क्या। तो तभी आरबीआई की तरफ से भी एक सर्कुलेशन जारी किया गया था, जहाँ पे आरबीआई की तरफ से ये स्पष्ट किया गया था कि अगर आपके पास कोई भी पुराना 1000 का नोट या फिर 500 का नोट है तो उन सभी नोट्स को आप एक्सचेंज कर सकते हो आपका नज़दीकी कोई भी बैंक का ब्रांच पे जाकर। अगर कोई भी ब्रांच मना कर देते कि आपका नोट्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते फिर नहीं होगा, तब उस बैंक के अगेंस्ट या फिर उस ब्रांच के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो, उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। उनके बाद से क्या हुआ कि बहुत सारा बैंक्स का ब्रांच के अंदर बहुत लंबा लंबा लाइन पड़ गया था और बहुत सारा लोगों का जो भी पुराना नोट्स था वो एक्सचेंज हो रहा था। उनके बाद से 2016 का 8 नवंबर से और आज है 19 ऑफ मई 2023, इनके बीच पे उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और 2016 के बाद तो 500 और 200 का नया नोट्स जारी हो चुका था, नया नोट्स मार्केट पे आ गया था, यानी नोट्स बंद होने से पहले ही मार्केट पे वो आ गया था। उनके बाद से 2016 का बाद से 2000 का 500 का 2000 का 200 का नोट चल रहा था, और जो भी 2000 का नोट्स था 2016 के बाद से 2017 से 2023 तक एक भी मार्केट पे उतना दिखा नहीं। यानी बहुत सारा लोगों का मन में एक ही डाउट था कि 2000 का नोट गया कहाँ, आखिर में हमारे पास तो कोई भी 2000 का नोट है ही नहीं। तो जो भी नोट्स छपाया गया था आरबीआई की तरफ से वो नोट्स गया कहाँ, तो बाद में तो और कुछ पता चला था जो आप लोगों को पता होगा, वो मैं इस वीडियो पे बता नहीं रहा। उनके बाद से 2023 साल पे 19 ऑफ मई 2023, यानी आज से 2000 का नोट्स आरबीआई की तरफ से बैन किया गया, जहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक ही रीज़न दिया गया कि जो भी 2000 का नोट्स मार्केट पे है उन सभी नोट्स का अंदर ट्रांजेक्शन का इशू है, उन सभी नोट्स का इशुएंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए हम 2000 का नोट्स को आपसे लीगल टेंडर नहीं बनेंगे टिल द 30 ऑफ सितंबर 2023। यानी अगर आपके पास कोई भी 2000 का नोट है तो आप अभी तो यूज़ कर सकते, और 2023 का 30 सितंबर के बाद से 2000 का नोट लीगल टेंडर नहीं होगा, यानी इलीगल टेंडर हो जाएगा। और 2023 का 30 सितंबर के बाद से 2000 का नोट अगर आपके पास होते हैं तो उस 2000 का नोट को आप किसी भी जगह पे यूज़ पे नहीं ले सकते, इसलिए अगर आपके पास कोई भी 2000 का नोट्स है तो आप आपका नज़दीकी कोई भी ब्रांच पे जाकर, जो भी बैंक से अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर, अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी बैंक्स का ब्रांच है तो उसी ब्रांच पे जाकर आप एक्सचेंज कर सकते हैं नया नोट्स पे, और आप आपका नया नोट्स ले सकते हैं। यानी नया 2000 के बदले जो 500 का 200 का 100 या फिर 50 जो भी नोट्स है, जो भी आप चाहते हो आपके रिक्वायरमेंट पे आप ले सकते हो। उनके बाद से यानी आज के बाद ये जो 2000 का नोट लीगल टेंडर नहीं होगा, लेकिन 30 ऑफ सितंबर 2023 तक आप चला सकते हैं। और इनके ऊपर ही एक और अपडेट निकल के आया है, जहाँ पे आरबीआई की तरफ से ये भी क्लियर कर चुका है, ये भी स्पष्ट कर चुका है कि आप एक बार पे 20,000 रुपीज़ ही सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं 2000 का नोट, उससे ज़्यादा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर
चाहते हो आपका 2000 का नोट्स एक्सचेंज करना किसी भी दूसरे नोट्स के अंदर कोई भी बैंक का ब्रांच पे जाकर, तो एक बात आप ध्यान रखना, आप एक बार पे 20,000 रुपीज़ ही सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो आप एक बार पे नहीं, यानी दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे किस तरह से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आज का जो भी अपडेट्स था, जो भी डिटेल्स था, आरबीआई से जो भी नोटिफिकेशन निकल के आया है, वो मैं इस वीडियो पे क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। और जो भी न्यूज़ आया है, जो भी अपडेट्स आया है, वो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो करिए, आप कमेंट सेक्शन भी फॉलो कर सकते। मैं कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन पर पिन कर देने के लिए। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं जो चीज़ में बताया, जो चीज़ में एक्सप्लेन किया आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले, ताकि जब भी मैं ऐसा कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ उसका नोट तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स वीडियो है।